हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सक्सेसफुल लर्निंग हमने एनसीआर का टॉपिक दैट इज बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड दैट इज फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लड उसका कॉम्पोजिशन फिर प्लाज्मा प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन फॉर्म डेलीमेंट कौन कौन सी होती हैं सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था एंड नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बॉडी ब्लड ग्रुपिंग दैट इज उसमें भी ए बीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है आर एच ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोगुलेशन ऑफ अ ब्लड जैसे कि आप सभी आपको कभी तो कभी चोट लगी होगी अब जब आपको चोट लगती है या फिर कोई इंजरी होता है आपकी स्किन के ऊपर या फिर ऊंड होता है तो वहाँ ब्लीडिंग ब्लीडिंग स्टार्ट होती है लेकिन वो ब्लीडिंग एक या दो मिनट तक ही रहती है उसके बाद ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है तो वो जो ब्लड तो ब्लड निकलना बंद हो जाता है स्टॉप हो जाता है या फिर वहां पे जो क्लॉट होता है उसी प्रोसेस को कोएगुलेशन या फिर कोएगुलेशन प्रोसेस कहते हैं दैट इज ब्लड कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड कहते हैं फर्स्ट एज यू नो दैट वन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ योर उन्न डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड राइट इट डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम यूजअली एंड द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग फर्ट समटम्स सो थोड़ी समय बाद ही वो ब्लड ब्लीड करना बंद हो जा ब्लीडिंग बंद हो जाती है एंड द ब्लड एग्जिबिट क्वाइगुलशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजुरी और ट्रोमा राइट सो इसी ब्लड ब्लीडिंग रोकने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आ, एक प्रोसेस कैस्केड ऑफ इवेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट करता है ब्लड को निकलने से एग्जिबिट करता है सो so उसी प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग या फिर को एगुलेशन ऑफ अ ब्लड कहते हैं एंड दिस मेकैनिज्म मेकैनिज्म दिस इज अ अकेानिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ अ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी इंडिविजुअल के बॉडी में से एक्सेसिव ब्लड का लॉस ना हो इसी वजह से प्रोसेस होता है एंड यू वुड हैव रेडिश ब्राउन कलर का एक डैमेज या फिर डेड सेल्स का जो भी डैमेज सेल्स या फिर एलिमेंट वहां हमारी इंजुरी की जा वहां पर आके अः

वो वो जाके ट्रैप होने के बाद वो रेडिश ब्राउन कलर का स्कम फॉर्म होता है जैसे कि मैंने कहा था स्कम का एक डेफिनेशन है दैट इज वो डेड डेड एंड डैमेज सेल वहाँ पे जाके एक्यूलेट हो जाते हैं उसे ही स्कम कहते हैं सो so, यहाँ पे जो फाइव नेटवर्क थ्रेड ऑफ फाइब्रिन का थ्रेड होता है वो उसके मैट्रिक्स के अंदर ट जाके वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं सो so उसे ही कम कहते हैं एंड फाइब्रिन्स आर फॉर्म वॉटर फाइब्रिन्स फाइब्रिन्स कहाँ कैसे बनते हैं सो फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाई कन्वर्जन ऑफ इन एक्टिव फाइब्रीनोजन इन टू अज्मा बाई द इंजाइम थ्रॉम्बिन सो फर्स्ट प्लाज्मा के बारे में जब हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में ब्लड के वीडियो में तब तो उस टॉपिक उस जब तब मैंने आपको बताया था प्लाज्मा प्लाज्मा में ऐसे कई सारे प्रोटीन्स होते हैं लेकिन मेजरली तीन इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं दैट इज फाइब्रेनोजन ग्लोब्योलिन एल्बुमिन सो तीनों के फंक्शन भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था सो so, फाइब्रोनोजन का वहाँ पे फंक्शन क्या बताया गया था फाइब्रोनोजन इज हेल्प इनगुलशन ऑफ अ क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये सारे फाइब्रोनोजन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ब्लड कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड एक मतलब ये कैस्केड ऑफ इवेंट है मतलब कई सारे सीरीज ऑफ रिएक्शंस चेन ऑफ रिएक्शंस एक एक इवेंट uh, मतलब कॉन्टिन्यूसली कई सारे इवेंट्स या फिर प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस के प्रोसेस को हम कैस्केड ऑफ इवेंट्स कहते हैं सो कैस्केड ऑफ अ प्रोसेस है, so, एक है। एक, मतलब एक प्रोसेस या फिर एक प्रोटीन या फिर एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे टोटल ट्वेल्व फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड में सो so, ये ये सभी फैक्टर्स हमारे प्लाज्मा के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सो so, जब भी हमारे बॉडी पे इंजूरी या फिर कट आता है तब ये सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं राइट right? So, ये जो फाइब्रिनोजन ऑलरेडी हमारे प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है इनएक्टिव स्टेट में सो so वही जब एक्टिवेट होता है तो फाइब्रीन फॉर्म होते हैं उसी से जो कि प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है उसको एक्टिवेट करने वाला कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए देट इज एंजाइम थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन रेस्पॉन्सिबल है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में

वो जब एक्टिव हो जाता है तो उसे थ्रोम्बिन कहते हैं सो so, इस प्रो, इस थ्रोम्बिन को जब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है उसे थ्रोम्बिन कहते प्रोथ्रोम्बिन जब एक्टिवेट हो जाता है तब उसे थ्रोम्बिन कहते हैं सो so, इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए भी एंजाइम इंपॉर्टेंट है दैट इज थ्रोम्बोकाइनेस थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट करता है इन एक्टिव प्रोथ्रॉम्बिन को एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन के अंदर राइट प्रो थ्रोम्बोकाइनस दिस इज एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर अबोरिएक्शन थ्रोम्बोकाइनेस convert an inactive prothrombin into an activated thrombin and this कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड सीरीज़ ऑफ अ लिंक्ड एजामिक रिएक्शन दैट इज कैस्केड प्रोसेस जैसे कि मैंने कहा था क्वाइगुलेन एक प्रोसेस दिट इज ऑफ इवेंट्स होते हैं मतलब ए फैक्टर जाके किसी और फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है वो जाके किसी दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है सो ये कैसकेड ऑफ अ इवेंट होता है एक इवेंट नहीं होता है लेकिन सीरीज ऑफ इवेंट या फिर सीरीज ऑफ एंजामेटिक रिएक्शन होते हैं जिसे हम कैसकेड ऑफ इवेंट्स कहते हैं एंड इट इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ अ फैक्टर्स प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा इन अ इन फॉर्म सो टोटल इन्वॉल्व होते लिए टी में नहीं दिया था मैंने आपके लिए नंबर याद रखियेगाट इज ट्वेल्व फैक्टर्स आर इन्व् कोएगुलेशन ऑफ अ ब्लड राइट एंड इंजुरी और प्लेटलेट इन ब्लड टू रिलीज अटन फैक्टर्स मैकेगुल मैकेजम ऑफ क्वाइगुलेशन जब भी हमारे बॉडी पे इंजुरी आती है या फिर कोई चोट लगती है ऊंड आती है सबसे पहले सिग्नल पहुंच जाता है प्लेटलेट के पास टिमुलाई पहुंच जाती है प्लेटलेट के पास सबसे पहले प्लेटलेट से होते हैं ब्लड के जो ब्लड के अंदर जो फॉर्म एलिमेंट दैट इज प्लेटलेट होता है वो रिलीज और वो जाके कई सारे फैक्टर्स को रिलीज करता है सो so, वो फैक्टर्स एक्टिवेट होके फिर क्वाइगुलेशन के प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसको एगुलेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं एंड सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाई टिश्यू एट अ साइट ऑफ इंजरी कैन आल्सो इनिशिएट ओ क्वाइगुलेशन जो चोट लगने के बाद जो टिश्यू पे पर्टिकुलरली जिस टिश्यू पे चोट लगता है तो वो टिश्यू कई सारे ऐसे फैक्टर्स रिलीज करती है जिसकी वजह से कोएगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है इनिशिएट होता है एंड कैल्शियम आयो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग कैल्शियम आयोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लॉटिंग के लिए क्योंकि कैल्शियम आयोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप याद रखना कैल्शियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ क्लॉटिंग कई सारे इनएक्टिव फॉर्म फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम कैल्शियम आयन आयन अलोंग विद सर्टेन एंजाइम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू एक्टिवेट सर्टेन इनएक्टिव फैक्टर्स इनटू एन एक्टिवेट फैक्टर एक्टिवेटेड फैक्टर्स और प्लेटलेट्स जब भी प्लेटलेट का काउंट हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है ये बहुत ही मतलब सीरियस क्लॉटिंग जब प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है हमारे बॉडी में सो so, उसे क्लॉटिंग uh, डिसऑर्डर कहते हैं क्योंकि वो क्लॉट होने की प्रोसेस को ही इनिशिएट करने के लिए प्लेटलेट्स इंपॉर्टेंट है जब प्लेटलेट्स ही कम हो जाएंगे तो क्लॉटिंग प्रोसेस इनिशिएट नहीं हो पाएगा सो so, उसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहते हैं प्लेटलेट का नंबर अगर काउंट हो जाए कम हो जाए काउंट अगर कम हो जाए तो उसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहते हैं सो so, ये कैल्शियम आयोन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ क्लॉटिंग सो मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाती हूँ जो कि एन में नहीं है लेकिन मैं आपको आपके साथ डिस्कस करती हूँ चार्ट एंड हियर जब इंजुरी द साइट ऑफ द टिश्यू रिलीजे प्लेटलेट वो सारे टिश्यू प्लेटलेट जहाँ पे भी इंजुरी होता है या फिर कोई ऊंड uh, होता है वहां पे फर्स्ट प्लेटलेट रिलीज होती है सारे टिश्यूज प्लेटलेट रिलीज करते हैं एंड देन द क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन एक्टिवेटर दैट इज थ्रोम्बोकाइनेस जैसे कि मैंने कहा था ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सो थ्रोबे थ्रोम्बोकाइनेस एक ऐसा इंजाइम है जो कि

में कन्वर्ट करता है नेक्स्ट थ्रामबिन इन टर्न कन्वर्ट अब्रीनोजन इन टू फाइब्रीन सो ये जो फाइब्रिनोजन होता है फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है इट इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा राइट प्लाज्मा में पाया जाता है सो so, ये इन एक्टिव फॉर्म में होता है इस, इसका एक्टिवेटेड वर्जन कौन सा होता है fibrin होता है सो फाइब्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट ये फाइब्रीन इसका एक्टिवेटेड वर्जन होता है इस एक्टिवेशन को करने के लिए थ्रोम्बिन त्रॉम्बिन थ्रोम्बिन ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फाइब्रीन फॉर्म अ मेश लाइक अ स्ट्रक्चर मेश लाइक मतलब ये मैट्रिक्स फॉर्म करता है दैट इज जाली के जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है दैट इज फाइब्रीन फॉर्म अ मेश लाइक अ स्ट्रक्चर रेडिश ब्राउन कलर का स्कम जो दिखता है चोट के ऊपर जब ब्लड क्लोट हो जाता है सो so ये जब सभी डैमेज रेड ब्लड सेल्स ट्रैप हो जाते हो जाते हैं तभी इस मैश में जब ये सारे डेमेज सेल्स ट्रैप हो जाते हैं एंड क्लॉट इज फॉर्मड एंड अ ब्लीडिंग स्टॉक सो दिस रिजल्ट इन टू अटिंग एंड वहां पे वो जो स्कम होता है रेडिश ब्राउन कलर का उसे ही क्लॉट कहते हैं और वो फॉर्म हो जाता है उसके बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है सो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ अ ब्लड Blood clotting. So, thank you so much. Like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.